आज तो पूरी इवें बाबा जी कैफियत ही बल्ला मजमे की कोई कैफियत नाल रेजेज रुल दियां अजीब कलाम। अगर थानू वाकई मजमा सुन के ते बातां अपने दिल ते लिखदा है तो हाफिज़ साहब का एक जुमला आई कि 14 कौन है तो मैं भी उसे दा तर्जमा मैं शहर च कर रहा लुत्फ लिया करो तो सिफ शाह जी कैसा इस्तेमाल है मौला और बशर मौला मौला और बशर और मेहरबानी सही जिंदगी मने और मैं थोड़ी दाद दा मैं लुत्फ ले रहा यकीन कराए अगर मैं लफ्जा च वो जुमला दोहरावा चा तो जरा लुत्फ घट वैसी लेकिन सानी च हूँ मैं पता लग सी जो हाफिज़ साहब एक जुमला आखाई 14 वास्ते कि क्या हिल देख कहनू कहनू वो जुमला याद है तो बस सानी दा चोखा वो लुत्फ जैसी क्यों अर्श पे आए हैं ये बल्कि इरादा तुल्ला कोई अल्लाह के इरादों की खबर क्या जाने खबर क्या जाने मेहरबानी शुक्रिया इतने अदब नाल सत्र दोहरावण दा शुक्रिया जिंदगी दा राज हो मने आदे ना फलाने दे नमक इस बड़ा असर है कि उदे दस्तरखान ते किबला तलाड़ा साहब भी अपनी तकरीर इस चीज़ दा इजहार कीता है कि मेरी जड़ी तासीर है ना ये मैं फला सैयद दे दस्तरखान ते इतने दिन मेरा बचपन गुजरा है सिरचा मैं लंबी चौड़ी नसर च बोमई नहीं बशर क्या जाने खबर क्या जाने बस शेर च सुनो मुस्तफा को है पता मुर्तजा को है पता मुस्तफा को है पता मुर्तजा को है पता आले अच्छे हरे हैं गवाह या खुदा को है पता आले अच्छे हरे हैं गवाह किसका पता कोई मेरे बान के टुकड़ों पे बहलने वाला बाकी मेरान के लंगर का असर क्या जाने ओ एक बड़ा मशहूर वाकया किबला एक बड़े सारे दरबार च इमाम हसन बादशाह नू दावत मिली सिर्फ दावत नहीं खिराज ढेर सारी मालियत वाला एक थाल वाकया लंबा है कोई खतीब पढ़े तो इसमें बेशक घंटा